दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। पौंटा साहिब में कोरोना के 26 नए मामले, 23 हुए ठीक। शाही नहाउन के साथ उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा संपन्न, डीसी भी पहुंचे डल झील। डंगार चौक में चिकन शॉप से सिलेंडर और नकदी ले उड़े चोर। नगरोटा सूर्या में तेज बारिश से सड़कों की हालत खस्ता, पौंग का जल स्तर भी बढ़ा। हिमाचल किसान सभा सरकाघाट इकाई ने एसडीएम के माध्यम से सीएम को भेजा मांग पत्र। अब समाचार विस्तार से। पौंटा साहिब में कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मंगलवार शाम को 23 लोग ठीक भी हुए हैं। बुधवार को सामने आए मामलों में सबसे अधिक संक्रमित भांटा वाली पंचायत से सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह जिले में 27 मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं, जिसमें 26 मामले सिर्फ पौंटा साहिब के बताए जा रहे हैं। बीएमओ डॉक्टर अजय देओल ने बताया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, लगभग सभी लोग होम क्वारंटीन किए गए थे। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 90% से अधिक है, इसलिए नियमों का पालन करें और अपने साथ में परिवार को भी सुरक्षित रखें। उत्तरी भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के तहत राधा अष्टमी के शाही नहाउन में इस मर्तबा कम संख्या में पवित्र डल डुबकी लगाई गई। इसी के साथ बुधवार को पारंपरिक रस्मों को निभाने के साथ यात्रा भी संपन्न हो गई है। शाही नहाउन को लेकर उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया भी व्यवस्थाओं का जायजा लेने डल झील तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यात्रा के विभिन्न पड़ावों में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। गौर रहे कि कोरोना महामारी के चलते इस साल मणिमहेश यात्रा पर सरकार की ओर से रोक लगा दी थी और महज परंपराओं को निभाने का ही फैसला लिया था। डंगार चौक में मंगलवार रात चिकन कॉर्नर पर हाथ साफ कर लिया। दुकानदार दलेल सिंह ने बताया कि चोर उनकी दोनों दुकानों के ताले तोड़कर अंदर रखे दो कमर्शियल गैस सिलेंडर व गल्ले में रखी नकदी उड़ा ले गए हैं। इस दौरान चोरों का गमछा वहीं पर रह गया है। व्यापार मंडल डंगार के प्रधान संदीप जसवाल ने डंगार में बढ़ रही चोरी की वारदातों को देखते हुए थाना भराड़ी को डंगार चौक में रात के समय गश्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। नगरोटा सूर्या में बुधवार सुबह हुई भारी बारिश ने कई सड़कों की सूरत बिगाड़ दी है। भारी बारिश से पौंग झील का जलस्तर भी तेजी से बढ़ने लगा है और पानी 1366 फुट तक पहुंच चुका है। पौन सीन में 32404 क्यूसेक पानी आ रहा है और 7004 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उधर प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने मवेशियों को झील के किनारे ना छोड़ें। तेज बारिश के चलते देहरा ज्वाली सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। हिमाचल किसान सभा सरकाघाट ने एसडीएम सरकाघाट के माध्यम से मुख्यमंत्री को क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र भेजा है और क्षेत्र की अनदेखी पर कड़ा रोष व्यक्त किया है। किसान सभा के सचिव मुनीश शर्मा व प्रधान दिनेश काकू की अगुवाई में इस प्रतिनिधि मंडल में 20 से अधिक पंचायतों के लोगों ने भाग लिया। किसान सभा ने गांव-गांव जाकर ज्वलंत मुद्दों पर अभियान चलाया है, जिनमें राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट की जमीन में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने, बलघाटी में प्रस्तावित हवाई अड्डे का विरोध, सरकाघाट अस्पताल में एमडी, हड्डी विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञों सहित कई मांगों को उजागर किया है। किसान सभा ने मुख्यमंत्री से सरकाघाट की इन मुख्य मांगों का समाधान करने का आग्रह किया है। साथ ही आगाह किया है कि यदि दिक्कतें दूर नहीं होती हैं तो किसान सभा जन अभियान को और तेज करेगी और संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर लेगी।